भोजन समाज की सारी अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करो भारत दस्तक को, और दोस्तों दबाओ ये नोटिफिकेशन बेल हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी में भोजन बॉय समित, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं भोजन समाज की कुछ सोशल मीडिया और यूट्यूब की अपडेट। जैसा कि आपको पता होगा, देश में कुछ जमातियों को कोरोना हो गया है और ये जमाती है एक ही मरकज के यानी कि बीजेपी कार्यालय के। तो आपको पता ही होगा, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। मुख्यमंत्री साहब यानी कि हमारे मुख्यमंत्री साहब मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी, उनकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। येदियुरप्पा जी जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बीजेपी के है, उनकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। तो गाइज अब आपको पता होगा कौन इस देश में कोरोना फैला रहा है और कौन कोरोना नहीं फैला रहा है। नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और जिस तरीके से देश की मीडिया ने हमारे मुसलमान भाइयों को बदनाम करने के लिए मरकज जमाती ये सब चलाया था, अब समझ में आ रहा है भाई कौन असली मरकज और कौन जमाती लोग हैं जो कोरोना फैला रहे हैं देश में। भाई अगली स्टोरी निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा, तथागत लाइव चैनल के जो अंजुल भैया है वो नई टी शर्ट सेलिंग का बिजनेस करने वाले हैं, जिसके लिए उनकी वेबसाइट तैयार हो चुकी है, लेकिन वो अभी आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ मेरे को दिखेगी और उसकी एक्सक्लूसिव फोटो मेरे पास ही। तो ये देखो उसकी एक्सक्लूसिव फोटो, 499 रुपए की ये टी शर्ट आपको पड़ेगी दोस्तों, और ये आपको वेबसाइट कहीं देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ मैं इसकी एक फोटो दिखा रहा हूँ। बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आखिरी में बता ही दूंगा आप सभी को। और अभी आपको पता होगा अमेजोन पर जयभीम प्रोडक्ट, हाँ भाई जयभीम प्रोडक्ट मिलना चालू हो गया है। ये देख लो कुछ तस्वीरें जहाँ पर आपको जयभीम आंवला, आंवले का ऑयल मतलब जो रहता है बाल में लगाने का, वो शैम्पू ये सब मिलना चालू हो गया है ऑनलाइन अमेजोन के ऊपर जयभीम प्रोडक्ट का। तो ये बहुत अच्छी खबर है भोजनों के लिए। तो गाइस अगली स्टोरी निकल कर आ रही धाकड़ खबर से। धाकड़ खबर के अकरम रईस खान जी ने अमित शाह जी को जो कोरोना हुआ है उसके लिए क्या बोला है। उनका कहना है कि अमित शाह जी कहीं नाटक तो नहीं कर रहे, मतलब उनको राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन में जाना ना हो इसलिए कहीं तो कोरोना का नाटक नहीं हो रहा है। भाई वीडियो देखो। अरे कोरोना हो गया, उन्होंने बताया मैं ठीक हूँ, जाके हॉस्पिटल में लेट गया। हो सकता है इसके पीछे एक राजनीति हो, उन्हें लगता हो भाई मुझे तो नहीं जाना अयोध्या, अयोध्या वाले मामले में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तमाम लोग तो कह रहे हैं कि शुभ घड़ी नहीं है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं शुभ घड़ी है, वो जा रहे हैं। अमित शाह को नहीं पसंद आ रहा होगा, जैन समुदाय के जो लोग होते हैं वो खासकर मानते हैं इन तमाम चीज़ों को, शुभ घड़ी कब है अशुभ घड़ी कब है, तो वो नहीं जाना चाहते होंगे। आपको पता होना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो खुद को ओबीसी बताते हैं और हिंदू समाज से आने का दावा करते हैं, जबकि जो ये अमित शाह हैं ये जैनी हैं यानी अल्पसंख्यक। अब इन अल्पसंख्यक गृह मंत्री के दौर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन है? अल्पसंख्यक है। फुल वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में है। अकरम रईस खान जी ने जो अमित शाह जी को लेकर बोला है, क्या आपको सही लगता है? अमित शाह जी वहाँ पर एक बाबा ने बताया था ना कि शुभ मुहूर्त नहीं है भूमि पूजन के लिए इसलिए नहीं जा रहे, और कोरोना को ढोंग कर हॉस्पिटल में जाकर बैठ गए हैं, क्वारंटाइन हो गए हैं। और भाई एक बात का लॉजिक लगाओ, जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तब कोरोना होते हुए भी, मतलब उनको पता नहीं था कोरोना है उनको, तब भी अमित शाह मीटिंग में गए थे और वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और भी कई सारे मंत्री थे, फिर वो लोग क्वारंटाइन क्यों नहीं हुए? लॉजिक तो लगाओ यार, और कमेंट करो आपका क्या कहना है इस बारे में। भाई अगली स्टोरी निकल कर आ रही नवीन कुमार जी को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा देश का मीडिया आजकल कुछ ज़्यादा ही चुतिया गया है। भाई देखिए देश में बहुत सारी समस्याएं है, कोरोना की महामारी की समस्या है, लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं बिहार आसाम के लोग, लेकिन देश का मीडिया क्या चला रहा है कि बनने वाला है बहुत भव्य राम मंदिर, उसको लेकर दिन भर चला रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ था आत्महत्या केस, उसको लेकर दिन भर चला रहा है। हम जानते हैं भाई कि उसके साथ जो भी गलत हुआ था उसको इंसाफ मिले, लेकिन आप दिन भर उसे चला तो नहीं सकते ना टीवी के ऊपर। और भी बहुत ऐसी बातें हैं जिसको नवीन कुमार जी ने बताई है, वीडियो देखो। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं इस देश के टेलीविजन चैनलों से कि सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती, कृति सेनन, इन सबसे जरा हटिए। जो मौत हो चुकी है उसके सामने देखिए हजारों लाशें बिखरी हुई हैं। इस देश के होम मिनिस्टर अस्पताल में हैं, अमिताभ बच्चन अभी अभी अस्पताल से निकले हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं एक मीडिया के तौर पर, सिवाय इस देश को धोखा देने के, भ्रम में रखने के? फुल वीडियो देखना चाहते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में लिंक है। ये जो देश का भांड मीडिया है ना, इसको देश के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, देश के लोग मरे चाहे जिए, चाहे इनके साथ कुछ भी हो जाए, इसको केवल दलाली करनी है, सरकार की तलवे चाटने हैं, सरकार का, सरकार के लिए ये जीता है मरता है, सरकार की ही बातें करता है देश का भांड मीडिया। तो इस भांड मीडिया के बारे में आप लोग क्या बोलोंगे नीचे कमेंट करो। तो गाइस अगली जो स्टोरी निकल कर आ रही वारी आर डी भारती जी को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा देश में नई शिक्षा पॉलिसी आ गई है जो करीबन
भाई 30-35 साल बाद आइए, अच्छी बात है, देश में नई नई शिक्षा पॉलिसीज आनी चाहिए जिससे देश के बच्चों का विकास हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मनुवादी सरकार चाहती है कि देश के बहुजन समाज के बच्चों का विकास हो, क्योंकि भाई स्किल डेवलपमेंट के नाम पर ये अपने पूर्वजों का जो काम होता है ना, जैसे कि कोई नाई काटता है, कोई प्लम्बरिंग करता है, कोई कुम्हार रहता है, उनको इम्प्लीमेंट कर रही है। मतलब सरकारी स्कूल में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर ये सब चीजें सिखाई जाएगी, और आपको पता ही है बहुजन समाज के बच्चे सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो ये वीडियो देखो। और तो और, स्किल डेवलपमेंट अब स्कूलों में होगा, कहने का तात्पर्य यह है, देसी भाषा में मैं आपको बताता हूँ, नाई का बच्चा नाई बनेगा और धोबी का बच्चा धोबी बनेगा, ये स्किल डेवलपमेंट है। अगर राजमिस्त्री का बच्चा आ जाएगा और उसकी इच्छा है राजमिस्त्री बनने के लिए, तो यो स्कूल में राजमिस्त्री बन सकता है। सरकार का सबसे बड़ा हथियार होता है सरकारी स्कूल, वो सरकारी स्कूल में ये लागू कर देंगे। और आप सभी जानते होंगे कि सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ते हैं। भाई पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में लिंक है, मैं बहुत ज्यादा सरल और आसान भाषा में बताता हूँ कि इसमें क्या कहा गया था। जैसे कि दोस्तों, आप एक प्लम्बर हो, आप एक नाई वाले हो, आप एक धोबी हो, या आप कोई भी काम करते हो अपने पुश्तैनी, तो अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर उस बच्चे को वही सिखाएंगे कि बाल कैसे काटते हैं, प्लम्बरिंग का काम कैसे करते हैं, धोबी कपड़े कैसे धोता है, कुम्हार बर्तन कैसे बनाता है, बस ये सिखाएंगे, तो मतलब उसका पुश्तैनी काम उसको सिखाएंगे, और उसको उसकी रीजनल भाषा यानी कि जो भोजपुरी होती है, मराठी होती है, यही सिखाएंगे सरकारी स्कूल में, अंग्रेजी नहीं सिखाएंगे। मतलब आने वाले समय में वो देश दुनिया में अपनी बातें नहीं रख पाएगा, ये इनकी मनु शिक्षा पॉलिसी है दोस्तों। तो क्या होंगे इस बारे में नीचे कमेंट करो। दोस्तों अगली स्टोरी जो आ रही है जिससे आप दंग रह जाओगे, कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कोरोना के समय भी देश में क्या बोलते हैं लुटेरे लूट मचा रहे हैं ये मनुवादी साले सब। पता है आपको, बरेली प्रशासन ने एक रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट छापी है एक पत्रकार ने, जिसमें जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं जहां पे क्वारंटाइन हुए हैं वहां पर एक घोटाला हुआ है। पता है क्या, टूथपेस्ट घोटाला, सैनिटाइजर घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, उनके मास्क का घोटाला, उनके गाउन का घोटाला हुआ है दोस्तों। तो सुमित चौहान जी की ये रिपोर्ट देखो। ये खबर दिखाती है कि कैसे मरीजों के लिए मास्क, गाउन, सैनिटाइजर और यहां तक कि टूथपेस्ट तक पर भ्रष्टाचारियों की नजर है। पीयूष उपाध्याय की रिपोर्ट में लिखा है, कोविड-19 मरीजों के लिए जो टूथपेस्ट और टूथब्रश खरीदे गए थे वो मरीजों को मिले ही नहीं। हजारों की कीमत के टूथपेस्ट किसके दांतों पर घिस गए पता ही नहीं चला। यही नहीं, बरेली प्रशासन के लोग तो कोरोना वार्ड में मच्छर भगाने के लिए जो लिक्विड लाए थे वो भी गायब कर गए। भ्रष्टाचारियों का हाजमा तो इतना मजबूत है कि मच्छर मारने का लिक्विड भी पचा गए। रिपोर्ट के मुताबिक मास्क खरीदारी में भी दिल खोल कर बंदरबांट हुई। नियमों को तोड़ मरोड़ कर मास्क की खरीदारी की गई और एक ही दिन में 25,000 के कई ऑर्डर दे दिए गए। तो ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। मैंने इसमें मनुवादी शब्द इसलिए जोड़ा दोस्तों क्योंकि मुझे पता है ये घोटाला करने वाले कौन लोग हैं। ये स्वर्ण जाति के वही लोग हैं जो कब से, न जाने कब से घोटाला करते हुए आए हैं हमारे भारत देश में और उसे लूटते हुए आए हैं। आज देख लो भाई, सैनिटाइजर का घोटाला हो रहा है, बरेली प्रशासन की रिपोर्ट है, रिपोर्ट छपी है पेपर में, और उत्तर प्रदेश में ये जगह आती है, बाबा जी का राज चल रहा है, मतलब राम राज्य चल रहा है वहाँ पर, कोरोना काल में ये महामारी में भी इतना घोटाला हो रहा है, क्या कहो भाई, समझ में नहीं आता। और आप क्या कहना चाहते हो इस घोटाले के बारे में, इस महामारी में भी इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो कमेंट करो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। तो भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो मात्र 29 रुपये मेहनत देकर आप लोग मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिससे मुझे थोड़ी सहायता मिलेगी वीडियो बनाने के लिए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाल कलर का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।